हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है। अगर आपके एरिया में वोटिंग्स हो चुकी हैं तो आपने ज़रूर वोट कास्ट किया होगा, और अगर आपके एरिया में अभी वोटिंग नहीं हुई है तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए कि आपकी वोटिंग प्रॉपर, आपका कार्ड्स प्रॉपर है कि नहीं, और आपको वोटिंग ज़रूर करनी है। तो इसी मैसेज के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दुनिया में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सबसे अच्छा लेंस कौन सा है जिसको हम कॉन्फिडेंटली लगवाएं और हमारी विज़न भी बहुत अच्छी रहेगी और हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। मैंने कुछ वीडियोस अपने पास्ट में बनाए थे, जो मैंने आईवल्स के बारे में बताए थे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ आईवल्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया था, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान हैं, उनको भी मैंने डिटेल में बताया था। आप लोगों के प्यार से वो वीडियोज़ इस वक्त लाखों में उसकी व्यूअरशिप आ चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उसमें आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनमें एक सवाल बार बार रिपीट हुआ कि मुझे अपना कैटरक सर्जरी करानी है, मेरे लिए कौन सा लेंस सबसे अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना 2023 और 2024 में, लास्ट अगर हम एक साल डेढ़ साल की बात करेंगे तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा इम्प्लांट किया और वो पेशेंट सबसे ज़्यादा खुश रहे, अगर हम उसको हम एनालाइज़ करें, यानी एक पेशेंट की हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी आफ्टर सर्जरी उसको कैसा फ़ील हो रहा है, उसको कैसा दिख रहा है, वो कितना खुश है, क्या उसको पोस्ट ऑप किसी तरह का ग्लेयर है, लोज इस तरह की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, इन सब पॉइंट्स को इवैल्यूएट करते हुए ये मेरा ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट एक साल के अंदर लास्ट 365 डेज़ के अंदर ऑब्जर्व किया। तो क्योंकि आप सब लोगों को पता है मोतियाबिंद, जिसमें हम आँख के अंदर का लेंस जो आपका ओपेक हो गया उसको निकालते हैं, नया लेंस डालते हैं, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने में बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल हैं जिसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने भी जो वीडियोस हैं उसमें भी आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने हर लेंस के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है, वो आपको उसका लिंक आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लेंसेज में। हमें लेंस में, जैसे मैंने बताया, मेजर तीन वेराइटीज़ हैं। एक आपका मोनोफोकल वेराइटी है, जिसमें मोनो मतलब सिंगल विज़न, यानी हम एक लेंस आप एक विज़न आपको क्लियर देंगे और सेकेंड विज़न में आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, यानी आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है, मोटी मोटी बात यह है। दूसरा, थर्ड वेराइटी जो कि जिसको हम मल्टीफोकल कहते हैं या ट्राई फोकल्स कहते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कि हमें दूर में भी दिखे, बीच का भी दिखे और पास का भी दिखे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नेचुरल लेंस तो है नहीं जिसकी पावर बदलती है। यंग एज में हमारा जो नेचुरल लेंस है वो पावर बदलने की कैपेसिटी रखता है, तब हम दूर में भी फोकस कर लेते हैं और पास में भी फोकस करते हैं, और पूरी लाइट दूर में भी जाती है और पूरी लाइट पास में भी आती है। लेकिन ये लेंस तो निर्जीव है, तो इनमें सेगमेंट्स हैं, कुछ लाइट दूर के लिए रखी है, कुछ लाइट बीच के लिए है, कुछ लाइट नियर के लिए, यानी आपकी जो लाइट है वो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। तो रात में आपको आपके पर्दे के ऊपर हमेशा कई सेगमेंट्स में फोकस मिल रहा है, तो रात में आपको ग्लेयर, फोकस लाइट में आपको ग्लेयर होगा, हेलोज आएंगे। हेलोज मतलब है कि आपको सर्कल्स दिखेंगे, कोई भी लाइट है उसके आपको चारों तरफ सर्कल्स दिख रहे हैं, ये हेलोज कहा जाता है, या ग्लेयर होगा यानी चमक लगेगी, सनलाइट में भी ग्लेयर होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ट्राईफोकल मल्टीफोकल में हो सकती हैं। तो ये लेंस उनके लिए बेटर है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिनको ड्राइविंग नहीं करती है, जिनको घर में रहना है, स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, आपको चश्मा नहीं लगाना है, आपको किटी पार्टी में जाना है और आप चाहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल हमेशा एवरग्रीन रहें, यंग रहें, और लोग पूछें कि आपने जो चश्मा नहीं लगाया हुआ है, अभी भी बहुत यंग है, ये उनके लिए लेंसेज हैं। लेकिन ये एक्टिव पॉपुलेशन के लिए, जो एक्टिव हैं, जो बहुत जिनको बाहर निकलना है, काम करना है, उनमें बहुत सावधानी से लेंसेज लगाए जाते हैं। बीच का सेगमेंट मोनोफोकल और ट्राईफोकल के बीच का सेगमेंट है, जिसको हम लोग इडॉफ लेंसेज कहते हैं, यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ परसेप्शन लेंसेज। इनमें आपको कोई रिंग्स नहीं होती और ये मोनोफोकल भी नहीं है। कुछ लाइट मोनोफोकल सेगमेंट में, क्योंकि जैसे मोनोफोकल है वो 100% लाइट अगर हमारा डिस्टेंस से फोकस कर रहा है, इसमें कुछ परसेंटेज लाइट 10-20-30% लाइट को डिस्टेंस से निकाल के इंटरमीडिएट सेगमेंट में डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको जो मोबाइल चलाना है, काम करना है, डेस्कटॉप यूज़ करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप पे आपको रहना है, आईपैड्स पे रहना है, टीवी देखना है, घर में रहना है, काम करना है, जो नॉर्म मोटे काम है आपके, उनमें आपको चश्मे की डिपेंडेंसी को कम कर देता है और नियर में नंबर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रिंग्स नहीं होती तो हेलोज नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हेलोज की कंप्लेंट यहाँ पर भी मिलती है। तो मैंने अपनी लास्ट वन ईयर की प्रैक्टिस में जो सबसे खुश पेशेंट देखे हैं वो मैंने देखे मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विज़न, जिसमें मैंने बताया था कि दो तीन वैरायटी लेंसेज की अवेलेबल हैं। सबसे पहले आईहांस, जो कि इसका लीडर है, जिसने जीएनजे ने जो लगभग लास्ट 7 साल पहले लॉन्च किया था, इसमें ये पहली टेक्नोलॉजी थी जब इसमें डिस्टेंस में भी हमें साफ दिखेगा, हमारी डिस्टेंस की विज़न भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई और थोड़ी सी लाइट हमारी इंटरमीडिएट सेगमेंट में आ गई, यानी हम करीब
60 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर पे हम कोई चीज़ को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, और उसके पास लाने में हमें चश्मे के नंबर लगेंगे और वो नंबर भी कम हो जाते हैं। उसी को देखते हुए दो तीन कंपनीज़ ने और लेंसेज लॉन्च किए, जिसमें कि इम्प्रेस होया का और साथ में आइसो प्योर फिजी आईवेल का, ये दोनों लेंस भी बहुत कैपेबल लेंसेज हैं, ये भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लांट किए और पेशेंट्स बहुत खुश रहे। इसमें इंडियन कंपनीज़ में IOC का मैग्निफिशेंट लेंस, वो भी बहुत अच्छा है और लगभग सबकी परफॉर्मेंसेस सेम है, और पेशेंट सबसे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हम पहले से ही पेशेंट को क्लियर कर देते हैं कि आपको यहाँ पर ये मोनोफोकल लेंस है, आपको डिस्टेंस में नंबर्स मिनिमम रहेंगे, हो सकता है ना लगाने पड़े, और इंटरमीडिएट और में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कुछ काम करने में, आपको स्पेशली अगर हाउस वाइफ्स हैं तो उनको किचन में काम करने में या घर में आपको लैपटॉप कंप्यूटर्स में काम करने में आपको ग्लासेस की डिपेंडेंसी सडन नहीं रहेगी जैसे जैसा कि मोनोफोकल में होता है। और साथ में जो पास के नंबर हैं, अगर मोनोफोकल में जाते हैं तो नियर के नंबर लगभग 2.5 डायप्टर्स के करीब हमें देने पड़ते हैं, अगर हमारे दूर के नंबर क्लीन हैं तो यहाँ पर वो लेंसेस वो नंबर कम होकर 1.5 या 1.75 रह जाते हैं, तो हमें नियर के नंबर्स भी हमारे कम हो जाते हैं। तो ग्लासेस लगाने से आप अगर आप प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहनते हैं तो उससे आपको विज़न में क्लैरिटी रहेगी, डिस्टेंस इंटरमीडिएट और नियर सब में, और साथ में क्योंकि इसमें कोई रिंग्स नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं है, तो आपको हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लगभग वो मोनोफोकल लेंसेज के बराबर होता है। और साथ में क्योंकि पुतली में कोई डिफेक्ट्स है, पुतली का चलना कम ज़्यादा है या पुतली बहुत छोटी है बड़ी है, उसमें भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा लास्ट 2 ईयर्स का, उसमें सबसे ज़्यादा खुश पेशेंट्स मेरे वो थे मोनोफोकल इंटरमीडिएट के साथ में, जिन पेशेंट्स ने जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी विज़न को, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर यूजिंग ग्लासेस, चश्मा पहन रहे हैं, चश्मा पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये चीज़ हम लोगों ने जब पहले से क्लियर कर देते हैं तो आदमी रियलिस्टिक हो जाता है। कभी हम जब मल्टीफोकल लेंसेज डालते हैं और हम लोग साथ में कहते हैं कि हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें आपको चश्मा ना लगाना पड़े, लेकिन यहाँ पर हम सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन लेंसेज किस पावर की पड़ेंगे इसके ऊपर हमें मशीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वहाँ पे भी मशीन की एक्यूरेसी, ऑल दो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, पावर कैलकुलेशंस बहुत प्रिसाइज हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक्स, अगर 0.5 0.75 के डायप्टर्स के भी अगर डिफरेंस रहता है तो आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको फिर आपको लगेगा कि आपने इतना एक्सपेंसिव लेंस लगाया और फिर भी आपको चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी विज़न तो अच्छी है लेकिन आप खुश नहीं होंगे। तो खुशी सबसे ज़्यादा मिलती है उसमें जिसमें कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट होती है। तो आज अगर आपको सर्जरी करानी है, अगर कोई ये पूछे कि मेरे को सबसे अच्छा लेंस कौन सा मेरी आँख के लिए है, तो सबसे पहला ये कि पहले तो अपनी बायोमेट्रिक कराइए, टेस्ट कराइए कि आपकी आँख में पावर क्या है, कैलकुलेशंस कितनी है, टॉरिक है कि नहीं, टॉरिसिटी यानी XY एक्सेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। उस बायोमेट्रिक के बेसिस पे हम लोग आपको, डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट है। लेकिन अगर आप केवल एक सवाल पूछे कि सबसे अच्छा लेंस कौन सा है, तो मेरा अभी भी सिलेक्शन है कि मैं मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट लेंसेज यानी आईहांस इम्प्रेस या आइसोप्योर का फिजी आईवल का आइसोप्योर और IOC का मैग्निफिशेंट, दीज आर द बेस्ट लेंसेज एज़ फार एज़ द सेटिस्फैक्शन इज़ कंसर्न। जब आपको खुशी चाहिए जो दे रहे हैं पेशेंट बहुत खुश हैं उनमें, बाकी मैंने ये नहीं कहा कि वो लेंस बाकी लेंसेज मल्टीफोकल गलत हैं या मोनोफोकल गलत हैं या जो एनहांस्ड मोनोफोकल के ऊपर जो हमने इंटरमीडिएट सेगमेंट के ऊपर एक प्रीमियम कैटेगरी है जिसमें कि हम विविटी को रखते हैं या हम विविटी के साथ में ल्यूसिडस लेंसेज हैं, ये लेंसेज गड़बड़ हैं या लेंसेज ठीक नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, पेशेंट सेटिस्फैक्शन इनमें भी उतना नहीं होता जितना कि मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई सवाल है ज़रूर पूछिए, सवालों से ही आपके मेरे वीडियो तैयार बनते हैं, जवाब तैयार होता है, और आप पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ पर्सनली हर क्वेश्चन को मैं आंसर करूँ, और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबा दीजिए, और इससे हम लोग को खुशी और हौसला मिलता है, इतना तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और साथ में बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, बड़ों की केयर करिए, बच्चों की केयर करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, आँखों की केयर करिए, अच्छा खाइए, प्रॉपर लीजिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार।